हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल व्यू को लेकर के है। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हम किस प्रकार से डेट इंसर्ट करा सकते हैं। जी हाँ, डेट इंसर्ट करा सकते हैं एसक्यूएल व्यू के अंदर। तो सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट बटन पर क्लिक करके और एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक्सेस हमारा ओपन हो जाएगा, और ये एक्सेस जैसे ही ओपन होगा तो आप एसक्यूएल के थ्रू टेबल भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पे नया डेटाबेस ओपन हो गया है, यहाँ पर चाहे तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही रख करके और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। एक टेबल हमारे सामने आ गई है, ठीक है। और अब यहाँ पर चाहे तो आप एसक्यूएल व्यू का यूज करके टेबल बना लीजिए। तो एसक्यूएल व्यू का यूज करना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके, यहाँ से एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पर टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और फिर टेबल का नाम देंगे। जैसे मान लीजिए टेबल का नाम मैं देता हूँ डेट टी दे दिया, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसमें फील्ड नेम देंगे। तो जैसे आईडी दे देते हैं और इसका डेटा टाइप इंट रखते हैं और कॉमा लगा करके, और फिर यहाँ पे दे देते हैं डेट, ठीक है। और डेट का यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो डेट ही रखेंगे हम। तो ये रख दिया डेट, और बस यहाँ से रन करवाना है इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डेट सेम नहीं रख सकते, तो यहाँ पर डी डेट कर देते हैं, डी डेट, ठीक है। तो ये डी डेट कर दिया, अब ये रन हो जाएगा। तो रन होगा तो ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर आईडी में आप आईडी डालेंगे और यहाँ पे डेट में आप डेट चूज कर सकते हैं यहाँ से। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जबकि हमें क्वेरी बनानी होगी, ये डेट यहां से ना इंसर्ट करा करके क्वेरी के थ्रू भी इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर इसे सेव कर देता हूँ, क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर देता हूँ, इसे क्लोज भी कर देता हूँ, और क्रिएट पे चल के फिर क्वेरी डिजाइन पे चल के देन यहां से एसक्यूएल पे आएंगे। और जैसे ही आते हैं तो यहां पर अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेबल है उस टेबल के अंदर ये डेट लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे आइए देखते हैं। यहां पर एक कमांड चलाएंगे इंसर्ट इनटू, और फिर यहां पे टेबल का नेम आएगा। तो हमारे टेबल का नाम है डेट, डी ए टी ई, डेट टी, यही नाम है। तो ये दे देंगे, और जैसे दिया गया है कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। डेट टी नाम से टेबल हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और टेबल देने के बाद क्या करना है, टेबल देने के बाद जो कॉलम का नाम है, जैसे यहां पर कॉलम का नाम डी डेट दिया गया है, तो हमें डी डेट ही यहां पर देना है। तो यहां पर डी और फिर दे देते हैं डेट, तो ये हो गया डी डेट। और डी डेट देने के बाद क्या करना है, जैसे ही डी डेट देते हैं तो फिर इसमें वैल्यूज भी इंसर्ट करानी होंगी। तो इसको बंद करके यहाँ पे लिखिएगा वैल्यूज, इस तरीके से वैल्यूज लिखिएगा, वी ए एल यू ई एस, ये हो गया वैल्यूज। अब वैल्यूज किस फॉर्मेट में आएंगे ये देखना होगा, ठीक है। तो जो फॉर्मेट होता है वो होता है वाई 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 वाई, यानी पहले ईयर आता है। तो यहां पर डेट मैं दे देता हूं 2023, ठीक है, ये दे दिया। और फिर क्या आता है, फिर आता है आपका मंथ, तो यहाँ 5 मंथ दे दिया, फिर आता है डेट, तो यहाँ 21 दे दिया। तो ये कुछ ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, ये फॉर्मेट आपको देना है। समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मेट देने के बाद इसको रखना है सिंगुलेटेड कॉमा के अंदर। तो इसे सिंगुलेटेड कॉमा के अंदर रख लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंगुलेटेड कॉमा भी ओपन है, फिर क्लोज भी है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब जो है यहां से इसे रन कराना, यानी ये रन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, यानी पहले से एक हमने डेट वहां इंसर्ट कराया था, वो अब दूसरे रो को अपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो देखिए 21/5 और 2023 यहां पे शो हो रहा है ना। यहां पे आप आईडी भी दे सकते हैं, आईडी भी देने में कोई दिक्कत नहीं, हालांकि यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल व्यू में आपको कमांड लिख के ही देना होता है। तो यहां 3 अगर कर देते हैं तो ऐसे स्थिति में फिर हमें क्वेरी लिखनी होगी, तो आपको अलग अलग क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, आप इसी में अपडेट करते जाइए, होता जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2021 की बात थी, यहाँ 2022 तारीख कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं 2022। तो जो डेट इंसर्ट कराना चाहेंगे इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो यहां से जाके इसको फिर देखिए ये वन रो अपेंड हो गया, और यहां पे आकर के देखेंगे तो यहां पे देखिए ये यहां पर इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेट इंसर्ट करा सकते हैं, समझ में आई बात। अब जैसे यहां पर है तो यहां पर भी डेट इंसर्ट करा सकते हैं, कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो फिर वही इसी में तब्दीली कर देंगे, इसी में चेंजेस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर कर देते हैं 12, ठीक है, और 2022 ही रखते हैं, और यहां से जाकर के और फिर इसको जो है रन करा देते हैं। तो फिर कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड वन रोज, तो यहां पे देखेंगे तो वन रोज अपेंड हो चुकी है। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बीच में आ गया है इसको डिलीट करने के लिए यहां से जाके आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करेंगे तो ये वाला हट जाएगा,
बाकी सारी डेट्स आपको यहाँ पे बची हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो डेट इंसर्ट कराना आसान है, और डेट के लिए क्वेरी अगर पूछी जाती है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर? ओके।